देश के लिए जिन्होंने विकास को चुकाया था, खिले हुए को जिन्होंने संविधान सिखाया था, जिसने हम सबको कहां से टकराना सिखाया था, जिसका वो अनमोल दीपक बाबा साहब का आया था। यहां उपस्थित हमारे प्रिंसिपल सर, हमारे घर में शिक्षक, हमारे गुलर्स और हमारे सहपाठी, मैं सभी को नमन करता हूं। आज मैं इस आयोजन पर आपके समक्ष भीमराव अम्बेडकर के बारे में भाषण प्रस्तुत करने जा रहा हूं। गीता में कहा गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिः भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं विजयम्। अर्थात जब तक पृथ्वी पर अधर्म का समाज स्थापित हो जाता है, तब तक अधर्म का नाश कर धर्म की स्थापना के लिए स्वाभाव लेते हैं। अंग्रेज के शासन काल में जब भारत माता गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई थी, तब उस घर में भी प्राचीन एवं दृढ़ विचारधारा के लोग मातृभूमि को विदेशियों के चुंगों से मुक्त कराने के लिए संघर्ष करने के स्थान पर मानव मानव में जाति के आधार पर विभेद करने से नहीं चलते थे। ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में कट्टरपंथियों का विरोध कर दलितों का उद्धार करने एवं भारत स्वतंत्रता संग्राम को सही दिशा देने के लिए जिस महामानव का जन्म हुआ, उन्हें ही दुनिया टक्कर भीमराव अम्बेडकर के नाम से जानती है। वे अपने कर्मों के कारण आज भी दलितों के बीच ईश्वर के रूप में पूजे जाते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को मनाई जाती है। इस दिन को समानता एवं ज्ञानता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस साल भीमराव अम्बेडकर की जयंती 120वीं मनाई जाएगी, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के मऊ में हुआ था। उनके पिता रामजी मानवजी सतपाल सेना में सुबेदार मेजर थे। उनके माता का नाम भीमाबाई था। भीमराव का परिवार हिंदू धर्म की महान जाति से संबंधित था। बचपन से आर्थिक और सामाजिक भेदभाव देखने वाले अम्बेडकर जी ने मुश्किल दिनों में पढ़ाई की थी। इतना ही नहीं, उन्हें स्कूल में काफी भेदभाव झेलना पड़ा था। दलित समाज के उत्थान और उन्हें जागरूक करने के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान था। उनके विचार हमेशा ही इंसान समाज के प्रति प्रेरित करती है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने स्वतंत्र भारत की संविधान की रचना की। अकेले ही संविधान का प्रारूप बनाकर एक सराहनीय कार्य था। उन्होंने स्वतंत्र भारत का संविधान बनाकर यह साबित कर दिया कि यदि कोई ठान ले तो असंभव को संभव बना सकता है। वो सच्चे अर्थों में एक सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने अपने देश की एकता से बहुत प्यार था। वो समानता, न्याय, मानवता के लिए जीवन भर करते रहे। उन्होंने हमेशा इस बात पर ध्यान रखा कि भारत की अखंडता पर किसी भी प्रकार की कोई आंच न आए। डॉक्टर अम्बेडकर को 32 डिग्रियों के साथ साथ 9 भाषाओं का ज्ञान था, जिनमें हिंदी, पाली, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मनी, मराठी, फारसी और गुजराती जानते थे। डॉक्टर अम्बेडकर अपने समय में 9 विद्वानों में से एक विद्वान माने जाते थे। वे पढ़ाई को बहुत महत्व देते थे। वे कहते थे सबको लगन के साथ पढ़ाई करनी चाहिए, केवल पढ़ाई करके उपलब्धियां हम हासिल करना ही नहीं मानते थे, बल्कि उन्हें रचनात्मक रूप देना भी बहुत जरूरी है। जब 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, उन्हें स्वतंत्र भारत का प्रथम कानून मंत्री बनाया गया। इसके बाद उन्हें भारत के संविधान कार्य समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। भारत के संविधान को बनाने में अम्बेडकर ने मुख्य भूमिका निभाई, इसीलिए उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपनी सफलता का रहस्य एक मात्र शिक्षा को ही बताते हुए कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। उनकी उपलब्धियों एवं मानवता को लिए उनके ज्ञान को देखते हुए भारत सरकार ने 1990 में उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया।
अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहता हूं। पैदा न होते उम्र क्या तो खुशियों का सिलसिला नहीं होता, बेरंगा की ये जमीन और आसमान का रंग मिला नहीं होता। भारत को कब तक कंगाल हो जाता यारो,